बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न नेक्स्ट हमारा जो है वो इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम यूनिट नंबर 1 के सेंटेंसेस करेंगे जो कि आपके पेपर में 5 मार्क्स के आते हैं। वो सेंटेंसेस के साथ हम जो है वो स्पेलिंग करेक्ट करने वाला काम भी करेंगे। तो देखें, आपकी यूनिट 1 की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिसका नाम है, उसकी एक्सरसाइज में ये वाले सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ ये सेंटेंसेस भी कर लें तो पेपर में आपके सारे सेंटेंसेस जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग जो है वो खुशहाल होता है। तो इसका सेंटेंस होगा हिज फादर, उसके वालिद इज़ है एन एफ्लुएंट बैंकर, एक खुशहाल बैंक वाले या बैंकर। उसके वालिद एक खुशहाल बैंकर हैं या बैंक में काम करने वाले हैं। आगे नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2 है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। विरासत यानी वो चीज़ें जो आपको पेरेंट्स से या अपने आबाओ अजदाद से मिलती हैं। तो माई ओनली इनहेरिटेंस, मेरी वाहिद विरासत वास थी माई मदर्स ब्लेसिंग, मेरी वालदा की दुआएं, मेरी वालदा की दुआएं मेरी वाहिद विरासत थी। नेक्स्ट है ऑर्फन। ऑर्फन यतीम को बोलते हैं। तो इसका सेंटेंस है वी शुड हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए द ऑर्फन्स, यतीमों की, हमें यतीमों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है कैरवां। कैरवां का मीनिंग होता है काफिला या फिर कारवां भी आप इसे उर्दू में जो है वो बोल सकते हैं। तो इसका सेंटेंस है इन द पास्ट, माजी में पीपल लोग ट्रेवल्ड सफ़र करते थे इन कैरवान्स, काफिलों में, ऑफ कैमल्स ऊँटों के, माजी में लोग ऊँटों के काफिलों में सफ़र करते थे। तो आप सिर्फ कैरवान्स तक भी इसका सेंटेंस कर सकते हैं, ऑफ कैमल्स ना भी लिखें तो मसला नहीं है। सेंटेंस नंबर 5 है पॉइस। पॉइस का मतलब होता है नेक या पारसा बाहया। तो इसका सेंटेंस होगा ही इज़ द मोस्ट पॉइस, वो सबसे नेक पर्सन आदमी है ऑफ दिस नेबरहुड, इस हमसाए में, वो इस हमसाए में सबसे ज़्यादा नेक आदमी है। तो नेबरहुड की जगह आप सिटी भी लिख सकते हैं कि वो इस शहर का सबसे नेक आदमी है। सेंटेंस नंबर 6 इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है मुतासिर होना। आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ बाई हिज़ परफॉर्मेंस, उसकी कारगर्दगी से, मैं उसकी कारगर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। नंबर 7 है नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब होता है शराफत। ही वॉज़ फेमस, वो मशहूर है फॉर हिज़ नोबिलिटी, अपनी शराफत के लिए। नेक्स्ट है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मीनिंग होता है कबूल करना। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों ने एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इस्लाम कबूल कर लिया आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के बाद, यानी मक्का फतह करने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मेडिटेशन, गहरा गौर व फिक्र या इस्तगराक भी आप इसे बोल सकते हैं। इस्तगराक होता है सोच में या गौर व फिक्र में गर्क हो जाना। तो इसका सेंटेंस होगा था हैबिट ऑफ मेडिटेशन, गहरे गौर व फिक्र की आदत इज़ द बेसिस, बुनियाद है फॉर आर रियल नॉलेज, तमाम असल अलूम की, तमाम असल अलूम की बुनियाद क्या है, मेडिटेशन की या फिर गौर व फिक्र की आदत। तो आल रियल अगर आप इस सेंटेंस में नहीं भी लिखते तो इतना कोई इश्यू या मसला नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं द हैबिट ऑफ मेडिटेशन इज़ द बेसिस फॉर ऑल नॉलेज, कि गहरे गौर व फिक्र की आदत तमाम अलूम के लिए बुनियाद है, तमाम अलूम की बुनियाद है। हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड का मीनिंग होता है माजूर। ही वॉज हैंडीकैप्ड, वो मजूर हो गया इन अ कार एक्सीडेंट, एक कार के हादसे में। तो हैंडीकैप जो है वो एज ए वर्ब भी यूज़ हो सकता है और एज ए नाउन भी जो है वो यूज़ हो सकता है। इसके बाद आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेलिंग्स आते हैं जो एमसीक्यूज में, उनमें से आपने करेक्ट स्पेलिंग को जो है वो टिक करना होता है। तो वो भी मोस्टली आपकी एक्सरसाइज में से आते हैं। तो सबसे पहले देखें स्पेलिंग मर्चेंट के। मर्चेंट के स्पेलिंग उसने ठीक करके लिखे हैं MERCHANT। इनहेरिटेंस INHERITANCE। कैरवान्स CARAVANS कैरवान्स। बिजनेस BUSINESS बिजनेस, यानी कारोबार को बोलते हैं। आगे वर्शिप। वर्शिप का मीनिंग होता है इबादत करना। WORSHIP वर्शिप। उसके बाद सक्सेस। सक्सेस का मतलब है कामयाबी। SUCCESS। तो ये सक्सेस। तो ये था आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।